जैसे हमारे पास हाफ एडर है जो सिंगल दो सिंगल बिट इनपुट्स के दरमियान एडिशन परफॉर्म करता है, फुल एडर भी यही काम करता है। लेकिन फर्क क्या है कि फुल एडर में एक और एक्स्ट्रा इनपुट होता है जिसे हम कहते हैं कैरी बिट। तो हमारे पास दो इनपुट सिग्नल्स होंगे ए बी, और तीसरा सिग्नल होगा कैरी बिट। अच्छा, अब इन तीन के दरमियान अगर हम परफॉर्म करें एडिशन, तो एक तरह से हमारे पास तीन बिट्स हो गई जिनमें एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो आउटपुट बहरहाल इसका वही होता है, दो बिट्स होती हैं। आउटपुट में हमारे पास एक बिट होगी सम और एक बिट होगी कैरी आउट। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, डी सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम। तो ये आप देख सकते हैं दो इनपुट बिट्स हैं ए बी और एक कैरी बिट है सी इन। देन आउटपुट में हमारे पास अगेन दो बिट्स आ रही है, एक सम है और एक आउटपुट कैरी बिट है। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें हमारे पास एक स्पेशल केस वो क्या है कि कैरी बिट भी वन है और ए और बी तीनों सिग्नल्स वन है, तीनों सिग्नल्स हाई है। अब यहाँ अगर गौर करें तो दो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं हमारे पास एडिशन के। सबसे पहले ये कैरी बिट और इनपुट ए, इन दोनों के दरमियान एडिशन होगा। ठीक है, 1+1 क्या हो जाएगा, 10। फिर 10 जो आउटपुट है उसमें इनपुट बी हम ऐड करते हैं तो आउटपुट आ गया हमारे पास 1-1। अब ये जो 1-1 है इसमें जो 1-1 कैरी बिट था आउटपुट, और दूसरा सम आ गया। तो ये हमारे पास ऑपरेशन होता है फुल एडर का। अब हम स्टेप्स की तरफ आते हैं कि किस तरह से हम इसका लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो स्टेप होता है हमारे पास ट्रुथ टेबल। ठीक है, ट्रुथ टेबल आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ए और बी के जितने कॉम्बिनेशन, ए बी सी के जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं आप बनाए, दोनों के दरमियान एडिशन परफॉर्म करें, आपके पास ये ट्रुथ टेबल आ जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज होंगी कैरी आउट की और सम की। तो ये ट्रुथ टेबल तो हमारे पास आ गया, और हमें पता है ट्रुथ टेबल के फॉर्मल बाद अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो कार्नोफ मैप इज द बेस्ट, जो हमें मिनिमल एसओपी प्रोवाइड कर देता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कार्नोफ मैप, और अब हम देखते हैं कार्नोफ मैप से किस तरह से हम इक्वेशंस की ड्राइव करेंगे। अच्छा, कार्नोफ मैप पहले ही मैं ड्रॉ करके इसमें जो सारी वैल्यूज थी, जहां जब इस आउटपुट 1 था वो मैं पहले ही पुट इन कर चुका हूँ। ये है सम इक्वेशन के लिए, हमारे पास रिमेम्बर दो बिट्स आती हैं उनके लिए दो अलग आउटपुट्स हैं, सम है और कैरी आउट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सम बिट की। सम बिट के लिए हमारे पास जिन स्टेट्स में आउटपुट 1 आता है वो मैंने सारी यहाँ मार्क कर दी। एक है हमारे पास ए बी नॉट सी नॉट, फिर है ए नॉट बी नॉट सी, थर्ड वन इज ए बी सी एंड देन ए नॉट बी सी सी नॉट। तो मैं सी नॉट कह रहा हूँ, वैसे ये है कैरी इन बिट। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिए चारों टर्म्स। अच्छा, ये चारों टर्म्स मैंने एज इट इज क्यों लिखी हैं, चारों प्रोडक्ट टर्म्स, बिकॉज हमारे पास यहाँ कहीं भी पेयर नहीं बन रहा, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। तो अब हम देखते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, क्या मिनिफाई कैसे, मिनिमम एसओपी कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम देखें यहाँ पे सी इन ये कॉमन है, तो हम ये टर्म कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में ए नॉट बी नॉट और ए बी कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सी नॉट कॉमन है और ब्रैकेट में ए नॉट बी ए बी नॉट है। तो इस तरह से हमने दो टर्म्स कॉमन निकाले। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बहुत समझने वाला, देखिए हम जानते हैं एलजेब्रिक रूल्स में ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट ये किसका इक्विवेलेंट होता है, एक्सक्लूसिव ऑर का। ठीक, और ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी ये होता है इक्विवेलेंट एक्सक्लूसिव एंड का। ठीक,
अच्छा है, हम एक चीज ये भी जानते हैं कि एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्सक्लूसिव एंड इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव और एंड वाइस वर्सा। तो हम इसको कह सकते हैं ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, इसका कॉम्प्लीमेंट है ये ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी। क्यों? इसका आउटपुट आता है हमारे पास क्या, अगर ए और बी दोनों जीरो हैं या दोनों वन है तो आउटपुट जीरो होगा, अदरवाइज वन होगा। सो विच मीन्स एनी बट नॉट ऑल इनपुट शुड बी हाई। तो आउटपुट हमारे पास आता है 0 1 1 और 0। ठीक, इसका बिल्कुल अब कॉम्प्लीमेंट कर ली एंड गेट में, तो दोनों इनपुट्स अगर सेम होते हैं तो आउटपुट हमारे पास वन आता है, राइट। तो इसका आउटपुट आता है 1 0 0 1। तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको अगर एक्स अज्यूम करें, ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट को अगर हम एक्स अज्यूम करें, तो ये टर्म एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, राइट। ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से इसको सब्सटीट्यूट किया हुआ है। हमने एक्स अज्यूम किया और यहाँ हमारे पास अब इक्वेशन चेंज हो गए, सी इन एक्स बार प्लस सी बार एक्स। ठीक, अब अगर हम इसको देखें गौर से, तो ये है ए बी बार प्लस ए बार बी का केस, विच मीन्स एक्सक्लूसिव और। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम इज इक्वल्स टू सी इन एक्सक्लूसिव और एक्स, और एक्स को हम अब दोबारा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोबारा ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। ठीक, अगेन ये अगर हम देखें तो ये भी एक एक्सक्लूसिव और है। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सम के लिए वो होगी कैरी इन एक्सक्लूसिव और ए एक्सक्लूसिव और बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी पहली सम के लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन देखेंगे कैरी आउट के लिए। कैरी आउट के लिए अगेन हमने कार्न ऑफ मैप ड्रॉ किया और ये मैंने पहले से ही फिल कर चुका हूँ। हमारे पास जहाँ जहाँ इनपुट सिग्नल वन था, सॉरी इनपुट आउटपुट वन था, मैंने मैप कर दिया। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि तीन पेयर मौजूद है। एक पेयर है ये वन और ये वन, विच इज बेसिकली यहाँ पे बी नॉट, अभी ये चेंज हो रहा है तो ए सी इन ये कॉमन है। इधर क्या कॉमन है, ए और बी, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है बी सी इन। ठीक, तो यही हमने तीनों टर्म्स लिख दी, प्रोडक्ट टर्म्स ए सी इन प्लस ए बी प्लस बी सी इन। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, ए बी एम यहाँ पे हमने सी इन कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स के दरमियान, तो ए प्लस बी हो जाएगा ब्रैकेट में। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ए बी प्लस सी इन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कैरी आउट के लिए। सम के लिए हमारे पास इक्वेशन आ गई, कैरी आउट के लिए इक्वेशन आ गई। अब हम आगे जाते हैं इसका सर्किट डिजाइन करने की तरफ। सर्किट डिजाइन कैसा होगा, अगेन फॉलोइंग द सेम सेम रूल्स। सबसे पहले हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, आउटपुट एक्स आउटपुट सम के लिए, और सम की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने प्लेस किया ए बी, ए और बी के दरमियान। पहले हमने एक्सक्लूसिव और उसके बाद एक और एक्सक्लूसिव और सी इन और इसके आउटपुट के दरमियान नेट लगा दिया। हम स्ट्रेट अवे तीन इनपुट का एक्सक्लूसिव और गेट भी ले सकते हैं इसकी जगह, डजंट मैटर, एक ही बात है। अच्छा, दूसरी हमने डिजाइन की कैरी आउट के लिए जो डायग्राम थी, और कैरी आउट की डायग्राम हमारे पास यहाँ आ गई। ये जो नीचे ब्लू वाला पार्ट है ये कैरी आउट है। तो यू कैन सी ए बी प्लस एक्सक्लूसिव और बी सी एन। ठीक, अब ये ए और बी में हमने दोनों में एंड किया है, और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था ए एक्सक्लूसिव और बी का, वो हमने एक और एंड गेट में इनपुट लिया। ठीक, आखिर में इन सब को सी इन के साथ उसको एंड किया, एंड देन इन दोनों का
हमने और गेट ले लिया विच विल बी दी आउटपुट। तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब आप इसको चेक कर सकते हैं किसी टूल में, सर्किट वर्स फॉर एग्जाम्पल। बहरहाल ये था फुल एडल। आप दो एक्सरसाइजेस की अटेम्प्ट कीजिएगा। पहली में ए सिग्नल आप रखेंगे 1, आई बी रखेंगे 0 और सी रखेंगे 1, और इसको आपने सॉल्व करना है और देखें आउटपुट क्या है। उसके बाद आप अल्जेब्रिक ले अलग से सम करके चेक भी करें उसको। और दूसरी पार्ट में आपने तीनों की वैल्यू 1 रखनी है और चेक करना है ट्रुथ टेबल से मैच करना है बेसिकली आपके, और आपके पास सम और कैरी आउट सेम आ रहा हो।